नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इनमें क्या फर्क है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में क्या फर्क है। इलेक्ट्रिक जो उपकरण होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, तो फिर इनमें फर्क क्या है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक, देखिए पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि विद्युतीय ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है। ये दो चीजें हर विद्युतीय ऊर्जा में होती हैं, चाहे वो आपका एसी हो चाहे डीसी, यानी बैटरी वाली आपका धारा हो विद्युत धारा, या विद्युत धारा जो आप पावर स्टेशन से प्राप्त करते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन्स के चलने से। केवल इलेक्ट्रॉन के चलने से होता है, जितना भी होता है। माइनस यानी ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और वही ऊर्जा पैदा करते हैं। फिर वो चाहे सेल हो चाहे विद्युत ताप्रय हो, वहां भी तकनीक इस्तेमाल होती है। सेल पे भी एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस लिखा होता है, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें ऊपर, हाँ आप देखिए, ऊपर ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस। मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया था। इसमें जब आप तार जोड़ते हैं तो माइनस से प्लस की ओर जाता है, और धारा कहते हैं प्लस से माइनस की ओर बह रही है। ये मतलब इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से चलता है। अब इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में क्या फर्क है, ये जानने की चीज है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक में फर्क है, इलेक्ट्रिक उपकरण जो होते हैं ये विद्युतीय ऊर्जा यानी इलेक्ट्रॉन से मिलने वाली उस ऊर्जा को, इलेक्ट्रॉन को, दूसरी ऊर्जा में बदलने के काम में आते हैं। समझ रहे? जब आप स्पीकर इस्तेमाल करते हैं तो उसे ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं, जब आप पंखा इस्तेमाल करते हैं तो उसे घूमने की ऊर्जा में बदलते हैं, जब आप हीटर इस्तेमाल करते हैं तो वो उसे गर्म करने की ऊर्जा में बदलते हैं, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास जिसमें वो अलग अलग तरह की ऊर्जाओं में आपके इलेक्ट्रॉन से मिलने वाली ऊर्जा को बदलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में क्या फर्क है, इलेक्ट्रॉनिक उस इलेक्ट्रॉन की गति को अपने हक में अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो उस पर नियंत्रण करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का जैसे इलेक्ट्रिक का उदाहरण पंखा है, मैंने आपको दिया हीटर, इसके हैं कैपेसिटर्स ले लो, डायोड ले लो, ट्रायोड्स ले लो, ये सब एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को एक विशेष रूप से कार्य को करने के लिए नियंत्रण करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लेके वो विशेष कार्य करने में उनका इस्तेमाल करते हैं, तो वो बन जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक। और इलेक्ट्रॉनिक हमेशा करंट का डीसी रूप, एसी नहीं, एसी होता है इलेक्ट्रिक के लिए, डीसी रूप इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल करता है। देखिए, आइए छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, हमेशा डीसी एसी से आगे रहेगा। हम तो एसी इस्तेमाल पर डीसी एसी से आगे रहेगा, क्यों? एसी जो एसी करंट है, मैं आपको पूरा बताता हूं, एसी जो करंट है मित्रों, वो एसी विद्युत धारा, वो हर घड़ी बदलती है, यानी पहले ऐसे करके चलती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके। जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जब आप इसको पूरे व्याख्या से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी मेरा। जबकि जो डीसी करंट है वो प्लस और माइनस ही चलता है, तो वो जो प्लस माइनस करता है वो एक सेकेंड को प्लस, मतलब सेकेंड के हिस्से को होता है, लेकिन आपको बता दूं एक पल के लिए प्लस, एक प्लस एक पल के लिए माइनस, यानी वो एक पल के उस यानी सेकेंड के उस हिस्से के लिए वो डीसी बनता है, तभी तो धारा बहती है। और ये धारा आपके इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रॉनिक अपने तरीके से, इलेक्ट्रिक अपने तरीके से। कुछ जो देखिए, जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण हैं आज के समय में, उनमें अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप ही मिल जाएगा। जैसे आप
आइए रसोई के ओवन को ले लेते हैं। ओवन में क्या होता है, आप विद्युतीय ऊर्जा को चुंबकीय तरंगों में बदलते हैं। होता है ऐसा, ये टीवी लग रहा है, मगर टीवी नहीं, ओवन है। तो इसमें ऊपर एक चुंबकीय तरंग लगी हुई थी और ये बहुत तेजी से वो छोड़ती अपनी किरणें, और ऊष्मीय ऊर्जा भी यहाँ पे उत्पन्न होती, दोनों चीजें होती। इसमें क्या होता है, ये जो बटन आप देख रहे हैं, बटन का पैनल, इसको कंट्रोल करने के लिए कैसे चलेगा, क्या करेगा, एक अलग से सर्किट बना होता है जिसमें सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता है करीब करीब, लेकिन कुल मिला के ये उपकरण एक इलेक्ट्रिक उपकरण में आता है। क्यों? क्योंकि ये वो काम करता है जो इलेक्ट्रिक उपकरण करता है। तो अब इनका संगम है, ये वहां जाती ऊर्जा, फिर वो बताती है, फिर वो इलेक्ट्रिक वाला हिस्सा शुरू होता है कि हाँ इतनी देर प्लेट को चलाना है, इतनी देर ऊष्मा देनी है, इतनी देर ऊर्जा देनी है, ये यहाँ पे फैसला होता है। तो ये दोनों जो पंखे के अंदर भी आप देखो तो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक आपको जरूर देखा, अधिकतर इलेक्ट्रिक वस्तुओं में मिलता है ताकि उनकी इलेक्ट्रिक गतिविधि, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उनकी इलेक्ट्रिक गतिविधि को नियंत्रित कर सके अपने हिसाब से। यहाँ तक कि बल्बों में भी मिलता है, अब तो बल्ब का भी एक आता है कि वो आप यूं करके डिम कर दो, तेज कर दो, या बल्ब को सेट कर दो लाइट, दिवाली की लाइट में देख लीजिए आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में फर्क। हमारे चैनल जिसका नाम है जिज्ञासा, उसको देखते रहिए। कोई आपको शंका हो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स है आपके लिए। अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और हमसे जुड़े रहिए। हमारा चैनल जिज्ञासा देखते रहिए। नमस्कार।